तारीख थी 4 जून 1947, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत की तकदीर और लकीर दोनों बदल दी। यह बात थी गुलाम भारत की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे एड्रेस कर रहे थे भारत के आखिरी वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। इंडिया वुड बी फ्री फ्रॉम द शैकल्स ऑफ ब्रिटिशर्स एंड वुड बिकम अ फ्री कंट्री। बोथ द कंट्रीज, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, आर सोवरेन नेशंस दैट कुड मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द प्लान ग्रांट्स डोमिनियन स्टेटस टू सक्सेसर गवर्नमेंट्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। The termination of British suzerainty over the princely states would come into being at the time of independence, as well as the abolition of the title, the Emperor of India, by the British. इस इवेंट में पूरी दुनिया से करीब 300 पत्रकार आए थे। सवालों के बौछारें हो रही थी और इसी बीच माउंटबेटन के समक्ष एक ऐसा सवाल आता है जिसकी वजह से पूरी कॉन्फ्रेंस हॉल में मानो सन्नाटा छा जाता है। यह सवाल था, When will the power be completely handed over to India? Has a date been decided? Power will be completely handed over to the Indians on 15th August 1947. 15 अगस्त। आखिर 15 अगस्त ही क्यों? दरअसल 15 अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने ब्रिटेन के आगे घुटने टेक दिए थे। तो बस इस जीत की दूसरी सालगिरह आ रही थी और इसी मौके पे माउंटबेटन अपनी चुप्पी तोड़ते हुए यह ऐलान करते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ 15 अगस्त के उस पावन दिन में, जहाँ पूरे देशवासी हर्षोल्लास के माहौल में डूबे हुए हैं। जैसा कि देखा जा सकता है, हर तरफ खुशियों और जश्न का माहौल है। आइए जानते हैं स्वतंत्र भारत की जनता की मन की बात। और आप कहाँ से आई हैं? हम लखनऊ से आए हैं। हम तो आज बहुत ही खुश हैं। और आप कहाँ से आए हैं? सत श्री अकाल जी, मैं पंजाब तो आया हूँ। जदों तो लोगों को आज़ादी का पता लगया, लोग वाले खुश ने, लोग घरों तो वारा के नचते गाँवते तो ढोल बजा रहे थे। लोग अनजान होंगे भी एक दूजे के गले लग रहे थे। यहोजा लग रहा है ये देश एक ही परिवार। आप देख सकते हैं पूरे भारत में एक अलग सा ही जोश है। आइए आज़ादी के महोत्सव पर जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मन की बात। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। आपको इस सुनहरे महोत्सव पर क्या विचार है? बहुत वर्ष पहले हमने अपने भाग्य से एक सौदा किया और अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही थी, भारत ने जाकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त की। ऐसे क्षण इतिहास में बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस समय उचित यही होगा कि हम इन देशवासियों को और मानव जाति के लिए कार्य करें। धन्यवाद। खुशबू से जिसकी महका सारा हिंदुस्तान, वो है सरदार पटेल, भारत की शान। प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी है सरदार, भारत की आजादी के नायक है महान। बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद पटेल की उपाधि वहाँ की महिलाओं ने दी। हृदय कोमल, व्यवहार में सिंह सी दहाड़ है, भारत की राजनीति के प्रचंड विद्वान हैं। तो आइए चलिए भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उनके विचार उन्हीं से सुनते हैं। आइए हम इस समय की खुशी में उन महान जिम्मेदारी को न भूलें जो स्वतंत्रता अपने साथ लेकर आई है। हमारा प्राथमिक कर्तव्य अपनी स्वतंत्रता को बाहरी व भीतरी खतरों से बचाना है। यह अब हमें दिया गया है हमारे देश की नियति को स्वयं पोषित विचारों से डालने के लिए। यदि हम इसमें विफल होते हैं तो इसका दोष दूसरों पर नहीं डाला जाएगा। वास्तव में हमारे राष्ट्र में बहुत कठिनाइयां हैं, परंतु इन पर पार पाना आवश्यक है। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टुडे इज 15th अगस्त एंड इंडिया इज फाइनली इंडिपेंडेंट। द कलर्स ऑफ सेलिब्रेशन कैन बी सीन एवरीवेयर। हाउएवर, इन दिस सेलिब्रेशन अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इज मिसिंग। ही इज गांधीजी। Our correspondent in Calcutta has sent a message from Gandhiji where he is working for communal harmony. He says, as I quote, "To me, peace between Hindus and Muslims is more important than the declaration of independence. I had a dream of a whole India, not a partition one. From today, you have to wear the crown of thorns to strive ceaselessly. Be humble before bearing. The British rule, no doubt, has put you on your mettle. But now you will be tested through and through. I request everyone to maintain communal harmony. Thank you. हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज दीवार पर्दों से हिलने लगी, आज दीवार पर्दों से हिलने लगी, परंतु शर्त यह थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हाथ लहराते हुए हर इंसान चलना चाहिए। हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए।